एक बार हमारी झांसी के पास एक कथा चल रही थी, तो कथा में एक नाई था। नाई नाई जानते हो, जो नहाते नहीं, ये कथा उनके लिए, सबके लिए नहीं है, सब मत सुनना। तो नाई था, तो राम कथा हमारी चल रही थी, हम राम कथा कर रहे थे, बड़े अच्छे से हो रही थी। जिस दिन राम जी का अवतार था, तो हमने नाई को बुलाया। हमने कहा ठंडियों का दिन, भयंकर ठंडी, जनवरी का महीना। हमने कहा भाई कल सुबह तुम उठ करके न्योता दे आना, बुलौआ दे आना सबको। राम अवतार, गांव की कथाएं पहली ऐसी होती थी, बुलौआ दे आना, राम जी का अवतार है। वो नाई कहता है ठीक है गुरु जी, लेकिन गुरु जी सुनो हम नहाएंगे नहीं। हमने कहा हद हो गई, रहा होगा बीना का खबर नहीं। बोला हम नहाएंगे नहीं। हमने कहा नहाना तो पड़ेगा। बोला हम नहाएंगे नहीं, खबर कर देंगे। हम कहा देखो साहब नहाना तो तुम्हें पड़ेगा। बोला हमने सुना है आप बहुत मंत्र जानते हो, जादू जानते हो, उसकी भाषा जो है वो ही आपको बता, आप कोई ऐसा मंत्र बना बता दो कि हमें ठंड ना लगे। हमने कहा ये कौन बड़ी बात, आ नजदीक आ, अभी नहाया है। बोले हाँ अभी तो नहा करा है, तभी तो हम 8 जोड़ी कपड़ा पहने हैं। हमने कहा वाह, सच में वो इतना कपड़ा पहने, भयंकर उसे ठंड लगती थी। तो आके बैठा, हमने कहा सुन, हमने ऐसी आंखें मीची मूची, मौज में तो थे ही हम। हमने कहा सुन, तू जिससे ज्यादा प्रेम करता हो ना, बाल्टी में पानी रखना और मग्गा, जिससे ज्यादा प्रेम करता हो जोर जोर से उसका नाम लेना शुरू कर दे, 2 मिनट में ठंडी गायब। हमने तो भगवान के लिए कहा कि जिस भगवान से ज्यादा प्रेम करता हो। नाम उसका लेना। हद ये हो गई। दूसरे दिन वो खबर नहीं नहाया बहाया होगा, बुलौआ लौआ लगा। शाम के टाइम जब कथा हो गई तो वो दूर से गुरु, अरे हमके चेला कायो नाव कक्का गुरु, अरे हम दे दे। बोले गुरु गजब होगा। बोलो का अरे बोले आज तो ऐसी चीज में लगे कि हम 4 महीना नहीं सप रही थे। हमका मतलब बोले पूरी ठंडियन भन्नी सप रही था, लेकिन आज तो रिकॉर्ड टूट गया, आज हमने सवेरे 6 बजे सफल रहा। हमका इसका मतलब मंत्र काम कर गया। अरे बोले गुरु मंत्र तो अद्भुत। तो हमने पूछा किसका नाम लिया तूने। बोले महाराज जैसा आप बताया था, बाल्टी धरी मग्गा धरो, हमने जय शांति बाई जय शांति बाई जय। हमने पूछा कि अच्छा सुनो तो हद तो ये। बोले गुरु 2 बाल्टी से सपरो। हमका ये शांति बाई कौन दे। बोले लुगाई। कोई देवता योता नहीं। बोले हमने अच्छा, वो बड़ा सीधा था, बड़ा भोला। बोला गुरु आपने कहा था जिससे ज्यादा प्रेम करते हो उसका नाम लेना, हम तो अपनी लुगाई से करते। तब ये बात विनोद की जरूर है, पर इस बात से एक चीज बड़ी प्यारी सीखने को मिल रही। गांव का एक नाई जब पत्नी का नाम लेकर के जब ठंड भगा सकता है, तो आप उस पूर्ण परब्रह्म परमात्मा का नाम लेकर के पाप क्यों नहीं मिटा सकते। तुम राम जी का नाम लेकर के संकटों को क्यों नहीं भगा सकते हो। तुम राम जी का नाम लेकर के अपनी पीड़ाओं को क्यों नहीं मिटा सकते हो। बस यही राज है नहाने का। बिना वालो जो नहाते नहीं वो, आज की कथा स्पेशल आपके लिए साधु जी। लेकिन